तो आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, सेल। ठीक है, सेल हम क्या क्या सेल करते हैं, सबसे पहले ये जानना है हम क्या सेल करते हैं। स्टोर डिपार्टमेंट जो है वो सेल क्या क्या करता है। सबसे पहले नंबर एक लिखो, सरप्लस आइटम। सरप्लस आइटम या सरप्लस स्टोर ये सेल करते हैं। उसके बाद नंबर दो लिखो, ओवरस्टॉक आइटम। ओवरस्टॉक आइटम को सेल करते हैं। नंबर तीन पे लिखो एम्प्टीज। एम्प्टीज क्या होती है, जो ड्रम वगैरह है, तेल के ड्रम हुए, पेंट के ड्रम हुए, खाली ड्रम है, उसको हम सेल करते हैं। और नंबर चार क्या करते हैं, जो कंडम मशीनरी है, M&P मशीनरी एंड प्लांट, कंडम मशीनरी एंड प्लांट या रोलिंग स्टॉक हुआ कंडम, इसको सेल करते हैं। तो नंबर पांच रिटर्न स्टोर। रिटर्न स्टोर कौन सा आ गया, जो कंज्यूमर को हमने दिया था लेकिन उनके किसी काम नहीं आया, आगे काम नहीं आने वाला है तो हमें वापस कर देता है, तो उसको भी हम सेल करते हैं। ठीक। और आगे छठा है स्क्रैप। स्क्रैप तो हम करते ही हैं, स्क्रैप को तो सेल करते ही करते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे सरप्लस आइटम की। सरप्लस आइटम क्या होती है, इससे पहले आप ये लिखिए इनएक्टिव के बारे में। सबसे पहले लिखिए इनएक्टिव आइटम। इनएक्टिव आइटम क्या होती है, इनएक्टिव आइटम होती है वह आइटम जो पिछले 12 महीने से इशू नहीं हुई। जो पिछले 12 महीने से इशू नहीं हुई उसको हम इनएक्टिव आइटम कहते हैं। एक साल से, पिछले एक साल से या 12 महीने से इशू नहीं हुई वो इनएक्टिव में आ जाती है। ठीक। उसके बाद आ गया सरप्लस आइटम। सरप्लस आइटम क्या होती है, सरप्लस आइटम के बारे में स्टोर कोड का वॉल्यूम नंबर 2 है और उसका चैप्टर 22 है। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि सरप्लस आइटम स्टोर कोड के किस चैप्टर में आता है। तो सरप्लस आइटम भी, इसके भी दो पार्ट हैं। एक है मूवेबल सरप्लस और दूसरा है डेड सरप्लस। मूवेबल सरप्लस क्या होता है, वह आइटम जो पिछले 2 साल से इशू नहीं हुई या 24 महीने से इशू नहीं हुई लेकिन भविष्य में होने की संभावना है, उसको हम सरप्लस, मूवेबल सरप्लस आइटम कहेंगे। और डेड सरप्लस कौन सी होगी, वह आइटम जो पिछले 24 महीने से या 2 साल से इशू नहीं हुई और आगे भी विषय में भी इसके इशू होने के चांस नहीं है, उसको हम डेड सरप्लस कहेंगे। एक होता है इमरजेंसी स्टोर। हाँ, सरप्लस के अलावा जो इमरजेंसी स्टोर होते हैं वो डेड सरप्लस में नहीं आते या सरप्लस में नहीं आते। जो इमरजेंसी स्टोर है वो इनएक्टिव, सरप्लस या डेड सरप्लस में नहीं आते। चाहे वो
चार साल से पढ़े हो, पांच साल से पढ़े हो, पांच साल भी हो गए इश्यू नहीं हुए, तो वो सरप्लस में नहीं आएंगे। एक साल हो गया इश्यू नहीं हुए, इनएक्टिव में नहीं आएंगे। दो साल हो गया इश्यू नहीं हुआ, सरप्लस में नहीं आएंगे। चार साल हो गए इश्यू नहीं हुए, कभी भी ये सरप्लस में नहीं आएंगे जो इमरजेंसी स्टोर है, इसका ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन डाल सकते हैं, क्या इमरजेंसी स्टोर इनएक्टिव हो सकता है, सरप्लस हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे बाढ़ आ जाती है, उसमें जो जलंधर में सामान पड़ा है, कुछ इमरजेंसी स्टोर है, उसको इमरजेंसी स्टोर, जैसे लकड़ी के ब्लॉक हो गए, ठीक है ना, या नाव होगी, बेड़ी होगी, कुछ ऐसी आइटमें वहां पड़ी है जो फ्लड के दौरान ही यूज होती है, वो भी इमरजेंसी आइटमें, उसको भी इमरजेंसी स्टोर कहते हैं, ठीक है ना। जलंधर कैंट में इमरजेंसी स्टोर की आइटमें पड़ी है, उसको हमने स्टॉक में रखना ही रखना है, क्योंकि फ्लड का पता नहीं कब आना कब नहीं, उसको हमें रखना ही पड़ेगा, तो वो इश्यू नहीं होती। वो जब फ्लड वगैरह आता है उसी समय उसको यूज किया जाता है। तो सरप्लस होता क्यों है, सरप्लस होता क्यों है, जब कोई डिजाइन चेंज हो जाए या प्रोजेक्ट चेंज हो जाए या कोई M&P चेंज हो जाए, मशीनरी एंड प्लांट में कोई पार्ट लगता है तो हमने खरीद के रखा हुआ है मशीनरी के लिए, लेकिन वो मशीनरी अब यूज करने लायक नहीं रही, तो उसके जो पार्ट हो जाते हैं वो सरप्लस में चले जाए, इश्यू नहीं होते वो। हाँ, जो सामान, जो प्रोजेक्ट है, मान लो जिस जो प्रोजेक्ट पहले चल रहा है वो प्रोजेक्ट बाय चांस बंद हो जाता है, उसको खत्म करके नया प्रोजेक्ट ले आते हैं, तो वो उस प्रोजेक्ट के लिए जो आइटम खरीदी हुई है वो सरप्लस में चली जाती है, ठीक है। और कौन सी, प्रोसीजर चेंज हो जाता है, जैसे वेल्डिंग का प्रोसीजर है, वेल्डिंग करने का प्रोसीजर है, तो दूसरी तरह की वेल्डिंग आ गई, तो प्रोसीजर चेंज हो गया, तो फिर दूसरी तरह का मटेरियल चाहिए, तो वो हमारा मटेरियल इशू होना बंद हो जाता है, फिर वो इनएक्टिव में चला जाता है, फिर सरप्लस में चला जाता है। तो सरप्लस और क्या रीजन है, हो सकता है जैसे रॉन्ग एस्टिमेट हो गया, प्रोजेक्ट चेंज का बता दिया, रॉन्ग एस्टिमेट हो जाते हैं, वर्कशॉप में गलत एस्टिमेट लगा देते हैं किसी आइटम का, तो वो उसकी एक्सेस प्रोक्योरमेंट हो जाती है, ठीक है ना, ज्यादा खरीदा जाता है, तो फिर वो सरप्लस में आ जाता है, ओवर स्टॉक में आ जाता है। सरप्लस और ओवर स्टॉक में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा नहीं काफी फर्क है। सरप्लस आइटम क्या है, जो 24 महीने से इशू नहीं हुई। ओवर स्टॉक आइटम क्या होती है, वह आइटम जो पिछले लास्ट ईयर के जो इशू है उससे 50% ज्यादा अगर हमारे पास माल पड़ा है तो वो ओवर स्टॉक आ जाता है, ओवर स्टॉक में चला जाता है। ये दोनों में फर्क है, ओवर बोर्ड में ये लिखा हुआ है। लेकिन इसको ए कैटेगरी की अगर आइटम देखें, ए कैटेगरी में उसका जो 6 महीने से ज्यादा स्टॉक है तो वो ओवर स्टॉक में गिना जाता है। ये लिख लो, ए कैटेगरी की जो 6 महीने से ज्यादा स्टॉक है वो ओवर स्टॉक में आ जाता है। छह महीने से ज्यादा स्टॉक है तो ओवर स्टॉक में आएगा। बी कैटेगरी का अगर 1 साल से ज्यादा स्टॉक पड़ा है तो वो ओवर स्टॉक में आ जाता है। सी कैटेगरी का 2 साल से ज्यादा अगर स्टॉक है तो वो ओवर स्टॉक में आ जाता है। अब इसमें एक ऑब्सोलीट मटेरियल भी होता है, ऑब्सोलीट, सबका जो अगर मीनिंग देखा जाए तो
थोड़ा थोड़ा सेम सा ही लगता है, सरप्लस आइटम, ओवरस्टॉक, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट आइटम क्या होती है? जो आगे हमारे काम की नहीं रही, फर्दर जिस पर्पज के लिए खरीदी गई थी उस पर्पज के लिए अब उसकी जरूरत नहीं है। तो ये भी वैसे ही है जो पहले बताया कि क्यों हो जाती है, डिजाइन चेंज होने के कारण, प्रोजेक्ट चेंज होने के कारण, प्रोसीजर चेंज होने के कारण, ये भी सेम ही है। लेकिन सरप्लस में फर्क और इसमें क्या डिफरेंस है, सरप्लस आइटम 2 साल के बाद होती है, तो ऑब्सोलीट जो मटेरियल है ये आज अगर प्रोजेक्ट हमारा बंद हुआ, चाहे वो मटेरियल नया है, चाहे उसको 6 महीने हुए अभी खरीदे हुए या 1 महीना खरीदे हुए हुआ, तो 1 महीना भी खरीदे हुए हुआ तो इमीडिएटली हमारा वो प्रोजेक्ट बंद हो जाता है, तो वो ऑब्सोलीट में आ जाता है, अब हमारे काम का नहीं रहा। तो उसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करते हैं, सरप्लस आइटम, ओवरस्टॉक आइटम और ऑब्सोलीट मटेरियल, इसको हमने क्या करना है, इसका डिस्पोजल करना है। पहले हम सरप्लस की बात करते हैं, सरप्लस आइटम का डिस्पोजल कैसे करते हैं, 3 तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट सेल है, लिख लो डिस्पोजल, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस आइटम। डायरेक्ट सेल किसको हम कर सकते हैं, एम्प्लाई को भी कर सकते हैं और अदर रेलवे को करते हैं डायरेक्ट सेल, प्राइवेट पार्टी को भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है इसको टेंडर सेल से भी कर सकते हैं, टेंडर निकाल देते हैं कि हमारे पास इतना मटेरियल पड़ा है, तो वो फिर जिसने लेना है वो टेंडर सेल से इसको हम डिस्पोजल कर सकते हैं, टेंडर सेल से भी कर सकते हैं। और तीसरा ऑक्शन से भी कर सकते हैं। जो डायरेक्ट सेल में जो पावर है उसकी लिख लो, डायरेक्ट सेल में सरप्लस को डायरेक्ट सेल में पावर, जो एम्प्लाई को नंबर एक पे लिखो, एम्प्लाई को या प्राइवेट पार्टी को करना किसी, उसमें किसकी कितनी पावर है, उसमें पीसीएमएम और सीएमएम की फुल पावर है, पीसीएमएम और सीएमएम की फुल पावर है, डिप्टी की 5000 है, ये हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूं, डिप्टी हेडक्वार्टर 5000 है और एसएमएम हेडक्वार्टर 2000 है, 2000 की जो सरप्लस आइटम है उसको डायरेक्ट एम्प्लाई को या प्राइवेट पार्टी को सेल कर सकते हैं। लेकिन एमएम को कोई पावर नहीं है, एसएमएम को 2000। तो डायरेक्ट सेल की जो डिपो में है, डिपो स्क्रैप डिपो जो होता है, जैसे जगाधरी स्क्रैप डिपो है, वहां पे डिप्टी को 5000 तक की पावर है, जो स्क्रैप सेल करते हैं डिप्टी उनको 5000 तक की पावर है, डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। और अगर इंडिपेंडेंट इंचार्ज है तो वहां पे 2000 तक की सेल कर सकते हैं डायरेक्ट। ये थे एम्प्लाई को या प्राइवेट पार्टी को। अब डायरेक्ट सेल करनी है अदर रेलवे को, अदर रेलवे या अदर डिपार्टमेंट को, डायरेक्ट सेल अदर रेलवे या अदर डिपार्टमेंट को, तो वहां पे किसकी कितनी पावर है, वहां पे पीसीएमएम और सीएमएम की फुल पावर है, और डिप्टी सीएमएम हेडक्वार्टर की 1 लाख की पावर है,
और डिपो में किसी को कोई पावर नहीं है। डिप्टी सीएमएम की 1 लाख की पावर है, एसएमएम को, एवएम को या डिपो में किसी को पावर नहीं है। ये जो डायरेक्ट सेल करते हैं, डिपो से ऑफिसर को पावर नहीं है ना? नहीं, डायरेक्ट सेल किसको करते हैं? अदर रेलवे को या अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। और ऑक्शन के थ्रू करनी है तो ऑक्शन सेल, ऑक्शन सेल में पीसीएमएम, हाँ ऑक्शन सेल, ऑक्शन के थ्रू सेल करनी है पीसीएमएम, सीएमएम, डिप्टी हेडक्वार्टर और डिप्टी स्क्रैप डिपो जहां पे ऑक्शन होती है, इनको फुल पावर है। पीसीएमएम, सीएमएम, डिप्टी हेडक्वार्टर और डिप्टी स्क्रैप डिपो या डिवीजन, डिवीजन में जो डिप्टी है, इनको फुल पावर है ऑक्शन के थ्रू सेल करने की। टेंडर में पावर ऑफ परचेज, जहां तक पावर ऑफ परचेज है वहां तक कर सकते हैं, पावर ऑफ परचेज तक, यानी कि पीसीएमएम 200 करोड़ तक की सेल टेंडर के थ्रू कर सकते हैं। और सीएमएम कितने तक? कितने की? 10 करोड़ तक की। डिप्टी कितने तक की? 50 लाख की, ठीक है ना, टेंडर के थ्रू। इसमें मैंने बताया कि सरप्लस आइटम जो 2 साल बाद या 24 महीने बाद सरप्लस हो जाती है, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बात है, डेड सरप्लस तभी होती है जब उसको एक सर्वे कमेटी घोषित करती है, तभी उस वो डेड सरप्लस में काउंट होगी। उस 24 महीने हो गए, 24 महीने आगे वो सरप्लस में आ गई, फिर 24 महीने बाद आगे उसके चांस नहीं है इशू होने के, तो डेड सरप्लस में आनी चाहिए, लेकिन वो उसको कौन करेगा? घोषित सर्वे कमेटी, ठीक है ना। तो सर्वे कमेटी को अपॉइंट कौन करता है, ये लिख लो, सर्वे कमेटी को अपॉइंट कौन करता है? जीएम, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वे कमेटी के मेंबर कितने होते हैं? 3, अधिकतम 5, 3 ही। अभी जो स्टोर बोर्ड में है उसमें तो 3 है, तीन लिखो आप, सर्वे कमेटी के जो मेंबर होते हैं 3 होते हैं एज पर स्टोर कोड। 3 कौन कौन से होते हैं? एक होता है सर अकाउंट का, नहीं इसमें अकाउंट का नहीं होता है, ये ध्यान रखना, जो सर्वे कमेटी के मेंबर हैं इसमें अकाउंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, इसमें कौन होता है? एक कंज्यूमर के, कंज्यूमर डिपार्टमेंट के 2 होते हैं और स्टोर का 1 होता है, कंज्यूमर डिपार्टमेंट का 1 होता है सेक्रेटरी, कंज्यूमर डिपार्टमेंट का 1 होता है सेक्रेटरी जो सीनियर स्केल ऑफिसर होता है, सेक्रेटरी सीनियर स्केल, जैसे वर्कशॉप में WM है वो सेक्रेटरी होंगे सर्वे कमेटी के, दूसरे होंगे कंज्यूमर डिपार्टमेंट का कोई एक और मेंबर होगा, वो भी कंज्यूमर डिपार्टमेंट का होगा, वो इलेक्ट्रिकल का भी है, वो AWM हो सकता है, WI हो सकते हैं, यानी कि किसी भी अदर कंज्यूमर डिपार्टमेंट के होते हैं, इलेक्ट्रिकल का भी हो सकता है, सिविल का भी हो सकता है, वो AWM रैंक के होते हैं, ठीक है ना। ये होता है मेंबर, जूनियर स्केल ऑफिसर है, जूनियर स्केल ऑफिसर,
और तीसरा है स्टोर का मेंबर। स्टोर के मेंबर को क्या कहते हैं? कन्वीनियर। ये भी जूनियर स्केल का, कम से कम जूनियर स्केल का ऑफिसर होता है। अब सर्वे कमेटी करती क्या है, इसका फंक्शन क्या है, सर्वे कमेटी का फंक्शन क्या है? इसने, सर्वे कमेटी ने देखना है कि क्रिटिकली आइटम को एग्जामिन करना है, आइटम का क्रिटिकली एग्जामिन करना है। उसने देखना कि वाक्य ही ये सर्वे ये मतलब कि सरप्लस आइटम हो गई है या नहीं, या उसको एग्जामिन करना, उसकी फिर रेट की, रेट भी उसका डिसाइड करना, रेट और वैल्यू भी डिसाइड करना, ये सर्वे कमेटी का काम है। फिर वो उस पॉइंट निकल गया, जो सर्वे कमेटी बैठेगी ओनली फॉर डेट मटेरियल है, सरप्लस आइटम होगी ना, सरप्लस आइटम को जो डेड सरप्लस घोषित करती है वो सर्वे कमेटी ही करती है। ठीक है, अपने आप हम उसको डेड सरप्लस नहीं कहेंगे। तो सर्वे कमेटी डिसाइड करेगी कि इसको डिस्पोजल कैसे करना है, इसको डायरेक्ट सेल करना है, ऑक्शन के थ्रू सेल करना है, टेंडर के थ्रू सेल करना है, या इशू करना है अदर डिपार्टमेंट को या अदर रेलवे को, ये टेंडर कमेटी डिसाइड करती है। ठीक है, तो टेंडर कमेटी एक सर्वे शीट जो बनती है, सर्वे कमेटी के ऊपर तीनों ऑफिसर के साइन होते हैं, ये जो सर्वे कमेटी का सदस्य, तीनों सदस्य के साइन होते हैं, और जो सेक्रेटरी होते हैं वो एक एक सर्वे शीट में तीन चार या पांच आइटम भी हो सकती है, तो वो सभी आइटम के आगे वो अपने रिमार्क्स लिखेंगे। सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी जो है सभी आइटम के आगे रिमार्क्स लिखते हैं, लेकिन जो स्टोर का मेंबर है या दूसरा मेंबर है कंज्यूमर का, वो नीचे सिर्फ एक जगह पे ही साइन करते हैं। और इसकी कॉपी कितनी बनती है, सर्वे शीट की कॉपी कितनी बनती है? चार कॉपी। सर्वे शीट की चार कॉपी बनती है। तो सर्वे शीट साइन होने के बाद ये हेडक्वार्टर जाती है, तो हेडक्वार्टर में पीसीएमएम के थ्रू जीएम को पुटअप होती है, जीएम से अप्रूवल ली जाती है पहले। बिना जीएम के अप्रूवल के जो सर्वे कमेटी, उसको हम सरप्लस नहीं कर सकते, कह सकते जीएम की अप्रूवल लेनी बहुत जरूरी है। जब तक जीएम अप्रूवल नहीं देते तब तक वो सर्वे शीट मान्य नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो जीएम से अप्रूवल लेके उनके बिहाफ पे सीएमएम सर्वे शीट को साइन कर देते हैं, अप्रूव करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो सर्वे शीट पे किस किस के साइन हो गए? तीन तो मेंबर थे। ठीक है, और एक सीएमएम के साइन होते हैं वो जीएम की अप्रूवल के देने के बाद।